वेलकम बैक टू वर्ल्ड क्रिकेट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच कौन सा होने जा रहा है, जबकि पहले ये खबरें आ रही थी कि मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम के नए कोच होंगे। जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नजब सेठी, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारे नए कोच जो हैं वो मिकी आर्थर होंगे, उनसे बात हो गई है। तो अब मिकी आर्थर ने कर दिया इनकार, जो कि मैंने आपको रात भी बता दिया था। तो अब जो पांच नाम हैं वो बड़े गर्दिश कर रही हैं उन पांच नामों के हवाले से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो वसीम खान थे, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले काम करते थे एहसान मानी के साथ, वो इन कोचिज के साथ बातचीत कर रहे हैं। जबकि खबरें यही आ रही है कि मिकी आर्थर के साथ भी वसीम खान बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो बातचीत नहीं बनी। मिकी आर्थर जो थे वो सिर्फ वर्ल्ड कप में कुछ टारगेट बेस्ड हमारे साथ काम करना चाहते थे। इस वजह से नजब सेठी ने कहा है कि मैं जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच देखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप में आ जाए एक महीने के लिए, दो महीने के लिए। जो मिकी आर्थर थे वो हमें पार्शली अवेलेबल थे, इसलिए उनसे मुआहदा तय नहीं पाया। तो इसके बाद हम बात करें तो नए कोच कौन से होने जा रहे हैं। तो हम बात करें तो नंबर वन पर बात करें तो जेसन एंगर जो है, जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया के कोच हुआ करते थे, अब जो है वो नहीं कोच रहे, क्योंकि जब बैक कमिंस कप्तान बने हैं तो खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा साफ लहजे में पेश आते थे, तो इस वजह से जो है फिर वो कोच नहीं रहे। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के कोच बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो मैथ्यू हायर, जो कि पाकिस्तान के जो है वर्ल्ड कप में भी कोच रहे हैं, इसके बाद एशिया का जो 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कोच रहे हैं, उसके हवाले से भी बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करें तो जेसन फ्लेवर जो है, जो कि चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की टीम के जो है वहां भी कोच रहे हैं, उनके साथ भी बातचीत हो सकती है। इन सब लोगों के साथ बातचीत जो है वो वसीम खान कर रहे हैं, और वसीम खान ऐसा लग रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड में दोबारा वापस भी आ जाएंगे और ये कोचिज के साथ काम कर रहे हैं। और उम्मीद खबरें ये आ रही हैं कि कोचिज को जो है पीएसएल से पहले ही बुला लिया जाएगा, जिसके साथ बातचीत चल जाएगी, उसे पीएसएल से पहले ही कोच अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएसएल ये आकर इधर ही पीएसएल देखेंगे, खिलाड़ियों को देखेंगे, उसके बाद जो है फाइनल स्काउट बनाएंगे, पाकिस्तान की टीम को अच्छे तरीके से बनाएंगे। आप क्या राय रखते हैं कि किसको पाकिस्तान टीम का कोच हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।